हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम, सेफ, हेल्दी। टुडे विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, द ब्लैक एरोप्लेन। यस्टरडे वी हैड स्टार्टेड इट, बट टुडे विल फिनिश ऑलमोस्ट। अ पर्सन, द नरेटर, इज फ्लाइंग हिमसेल्फ plane, old Dakota aeroplane, and going to France, going to London from France, and his intention is to take breakfast with his family. That is why he is going from the danger area. So let us study. I checked the map and compass, switched over to my second and the last fuel tank, and turned the Dakota 12 degree west towards England. मैंने चेक किया मैप को, कंपास को, और फिर स्विच किया मैं सेकंड जो फ्यूल ट्रंक था, क्योंकि एक ट्रंक, एक फ्यूल का ट्रंक टंकी ख़त्म हो गया था, और फिर मैंने 12 डिग्री घुमा दिया डिकोटा को, किसकी तरफ? इंग्लैंड की तरफ, वेस्ट में। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं समय पर, नाश्ता के समय पर मैं पहुँच जाऊँगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बढ़िया अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। Everything was going well. It was an easy flight. सब कुछ आसान जा रहा था, एकदम easy flight थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Paris मेरे पीछे लगभग 150 किलोमीटर चला गया हुआ था जब मैंने आगे clouds देखा, बादल देखे मैंने। Storm clouds मतलब एक तूफानी बादल। They were huge, बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. ऐसा लग रहा था कि वो काला पहाड़ आगे खड़ा हुआ है मेरे सामने पूरे आसमान पे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड 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 ओवर देम। मैं सोच रहा था, मैं जान रहा था कि मैं उड़ा नहीं पाऊंगा इसके ऊपर से। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं उसको दूसरे डायरेक्शन से जा करके, मतलब साउथ या नॉर्थ से होकर के मैं अलग से उसके साइड से होकर के जाऊँ। मैं इतना मेरे पास ईंधन भी नहीं था, तो इस तरह से मैं चला जा रहा था उस प्लेन से। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, या तो मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए था, आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं चाहता था कि मैं घर जाऊँ। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं वो अपने परिवार के साथ वाला जो नाश्ता था ना, वो मैं करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा, जोखिम उठाऊँगा, आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डिकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और मैं उड़ा दिया उस ओल्ड डिकोटा को सीधा उस तूफान में। उस तूफान में जब मैं उड़ाया तो फिर क्या होता है? इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अंदर जब मैं बादल में गया तो अचानक सब कुछ काला हो गया, सब कुछ काला। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, ये एकदम असंभव हो रहा था कुछ भी एरोप्लेन से बाहर दिखाई देना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्पड जम्पड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, वो जो पुराना एरोप्लेन था वो कूद रहा था, और एरोप्लेन मतलब हवा में मुड़ रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव ऑन माई आईज, मैं अपने आँखों पर विश्वास नहीं कर पाया। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास जो था वो गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये एकदम मर चुका था, ख़त्म हो चुका था, ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, दूसरा भी इंस्ट्रूमेंट था वो भी अचानक ख़राब हो गया। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को भी कोशिश किया उसको भी चलाने की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, देर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था, सब कुछ ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास रेडियो नहीं था, नो कंपास, न कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं देख नहीं पा रहा था कि मैं हूँ कहाँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म में लॉस्ट हो गया था, पूरी तरह से खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब उसके बाद उसी काले बादल में ठीक मेरे नज़दीक से आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने देखा एक दूसरा एरोप्लेन जा रहा था। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स में कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैंने देखा कि वो ठीक मेरे सामने से वो उड़ रहा है उसी तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस,
मैं उस पायलट का चेहरा भी देखा मैंने. टर्न टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ घूमा उसका चेहरा. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश हुआ देख करके दूसरे आदमी को. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, वो अपना एक हाथ उठाया और फिर वेव किया. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था मेरे पीछे आओ मेरे पीछे आओ. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ. आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो कोशिश कर रहा है शायद मुझे बचाने की. तो इस तरह से वो उस एरोप्लेन के पीछे चलता है. उसने सोचा कि मुझे वो बचाने की कोशिश कर रहा था, मैं चलूँ उसके पीछे पीछे चलूँ. ही टर्न हिज एरोप्लेन ऑलवेज टू द नॉर्थ, ऑल द वे टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. वो मेरे आगे चलाने लगा प्लेन को ताकि डिकोटा कोई मैं चलाने में मुझे आसानी हो. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं एक बहुत ही फरमाबरदार बच्चे की तरह एक अनजान एरोप्लेन के पीछे जाते हुए मुझे बड़ा मतलब खुश था मैं कि चलो भाई यह मुझे पार करा देगा, यह मुझे ले जाएगा दूसरी तरफ. तो क्या वो ले के जाता है, पहुँचता है कि नहीं, वो एरोप्लेन कहाँ लेके जाता है, वो कौन है वो एरोप्लेन वाला, उस तूफ़ान में वो कौन आया है जिसका लाइट नहीं जल रहा है, कौन है वो, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सो आप लोग इसे फिर से अपने से पढ़ लीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, एंड बाय रिवाइजिंग द वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे.